दोस्तों, दुनिया में एक एवरेज इंसान की रीडिंग स्पीड 200 से 250 वर्ड्स पर मिनट होती है, लेकिन इस स्पीड को प्रैक्टिस से कई गुना बढ़ाया जा सकता है, दुगुना, तिगुना, 10 गुना या फिर 100 गुना भी। फोकस के साथ निरंतर प्रैक्टिस से कुछ लोगों ने एवरेज से 100 गुना ज्यादा रीडिंग स्पीड संभव कर दिखाई है। हॉवर्ड बर्ग नाम का ये बंदा 25,000 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुका है, यानी कि 200 से 250 पेजेस का नॉवल ये बंदा केवल 4 से 5 मिनट में पढ़ सकता है। एनी जोन्स नाम की इस लेडी ने तो हैरी पॉटर सीरीज की 784 पेज की बुक को केवल 47 मिनट में पढ़कर स्पीड रीडिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था, यानी कि स्पीड रीडिंग संभव है। सोचिए यदि ये पावर आपके पास हो तो, लेकिन ये होगा कैसे? तो दोस्तों, उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे स्पीड रीडिंग की एक प्रैक्टिकल टेक्निक और कुछ टिप्स, जिन्हें किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर अपनी रीडिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है, जिन्हें मैंने स्वयं अपनाकर 60 दिनों में अपनी रीडिंग स्पीड को दुगने से ज्यादा बढ़ाया है। दोस्तों, एक स्पीड रीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी दो आदतों को समझना और सुधारना होगा। नंबर 1, सब वोकलाइजेशन, और नंबर 2, रिग्रेशन। रीडिंग के दौरान आंखों के जरिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उस रीडिंग को अंदर ही अंदर दोहराता है, यानी कि रीडिंग के दौरान एक साइलेंट रीडिंग आपके दिमाग में चलती रहती है और मन में चलने वाली इसी साइलेंट आवाज को ही सब वोकलाइजेशन कहते हैं। इस आदत के कारण आपकी रीडिंग स्पीड कभी भी आपके बोलने की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं हो सकती। और दूसरी आदत जो रीडिंग स्पीड को 10 से 15% स्लो करती है, वो है रिग्रेशन, यानी कि रीडिंग के दौरान पीछे का कुछ भी भूल जाना, कंफ्यूज हो जाना और फिर लाइन या पैरा को दोबारा से पढ़ना। दोस्तों, रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए इन दोनों आदतों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपको अपने दिमाग को जरा सा डिस्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि बहुत ही हल्का सा उलझाना होगा, और उसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला, स्पीड रीडिंग करने के दौरान आप च्युइंग गम चबाइए, या दूसरा तरीका है विदाउट लिरिक्स बिल्कुल लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने, या फिर तीसरा तरीका है अपनी टंग को मुंह के अंदर ऊपर की तरफ टच करके रखें। इन तीनों तरीकों से आपको सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन की आदत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ ब्रेन रिलैक्स और ज्यादा फोकस रहेगा। दोस्तों, शुरुआत में सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन की आदत को 100% कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बचपन से जो आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड है, उसे बदलने में समय और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। लेकिन शुरुआत में यदि केवल 60 से 70% भी आप इस आदत को कंट्रोल कर पाते हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक पर, जिसे अपनाकर आपकी रीडिंग स्पीड डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, और वो टेक्निक है रीडिंग विद अ पॉइंटर। इस टेक्निक में कुछ भी रीड करते हुए इंडेक्स फिंगर या फिर पेंसिल को एक पॉइंटर की तरह यूज करते हुए रीडिंग की जाती है। इस अभ्यास के दौरान कुछ इस तरह से रीड करना है आपको। दोस्तों, जब आप पॉइंटर यूज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा फोकस के साथ रीड कर पा रहे हैं। आपकी आंखें धीरे धीरे पॉइंटर को फॉलो करते हुए पॉइंटर की स्पीड को मैच करने की कोशिश करेंगी। पहले 1 हफ्ते आप अपने पॉइंटर की स्पीड को नॉर्मल रखें, जिससे आपकी आंखों और पॉइंटर के बीच में एक तालमेल, एक रिदम बनने लगेगी, और अगले हफ्ते में स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें, जिससे आंखें ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक बड़ी ही सरलता से भेजने लगेंगी, और ब्रेन सब वोकलाइजेशन और रिग्रेशन ना होने के कारण कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से प्रोसेस करने लगेगा। दोस्तों, आंखों, ब्रेन और पॉइंटर की स्पीड के बीच एक रिदम बनने में समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि आप पेशेंस के साथ निरंतर कुछ हफ्तों तक इसका अभ्यास करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी रीडिंग स्पीड 10 से 12 हफ्तों में ही डबल से ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद आप इसकी एडवांस टेक्निक सीखकर अपनी स्पीड को कई गुना और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्पीड रीडिंग का अभ्यास उसी भाषा या लैंग्वेज में करें जिस भाषा में आपकी पकड़ अच्छी हो, क्योंकि पढ़ने का असली मकसद समझना है, ना कि केवल पढ़ना। स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस हर दिन किसी ऐसी बुक या सब्जेक्ट से करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। स्पीड रीडिंग से पहले स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक से बुक
या चैप्टर का एक ओवरव्यू ले ले, जिसमें आप उस बुक के सभी हेडिंग्स और हर पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर स्टोरी का एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें आप स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस एक शांत माहौल में करें, जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। शुरुआत में स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस केवल बुक से करें, कंप्यूटर या मोबाइल से नहीं। रीडिंग के दौरान जहां कुछ भी जरूरी जानकारी मिले उसे अंडरलाइन करते जाएं। स्पीड रीडिंग में परफेक्ट होने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी पर भी निरंतर काम करना होगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, ब्रेन उतनी ही स्पीड से आंखों से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस कर पाएगा। दोस्तों, शुरुआत में पहले 7 दिन केवल 10 मिनट के लिए ही स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करें। अगले 7 दिन 15 मिनट, तीसरे हफ्ते में 20 मिनट और चौथे हफ्ते से आप इस टाइम को और भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस के साथ ये जानना भी जरूरी है कि आप रीड किया हुआ कितना समझते हैं। इसके लिए हर बार प्रैक्टिस के बाद स्वयं का ही टेस्ट लें कि आपने जो रीड किया है, आप उसमें से कितने प्रतिशत याद रख पाते हैं और कितना मिस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाली वो टिप्स और टेक्निक्स, जिनको हर दिन प्रैक्टिस कर आप अपनी रीडिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की है? और यदि हाँ, तो अब आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना यार। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मेरे ये वीडियो आपके अपनों में फैलाते रहिए और जीवीजी मोटिवेशन पर हर रोज आते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।